जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अंतर जातवाद के बारे में देखेंगे दोस्तों, जिसको अंग्रेजी में हम एंडोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं। दोस्तों इस बल के कारण बलन व भ्रंशन जैसी क्रियाओं का जन्म होता है। दोस्तों इसी के आगे वाले क्रम में हम बल को देखेंगे यानी कि फोर्स, इसके बाद हम अंतर जातवाद और परिवर्तन को देखेंगे, उसके बाद हम आकृतियों में बदलाव देखेंगे इस डायग्राम के माध्यम से, उसके बाद हम अंतर जात बल की उत्पत्ति देखेंगे दोस्तों, कि जो अंतर जात बल हैं उनकी उत्पत्ति किन कारणों से होती है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम इन सारे टॉपिकों को कवर करने वाले हैं, इसलिए इस हिसाब से यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देख लेते हैं दोस्तों कि बल यानी कि फोर्स क्या होता है। तो दोस्तों बल या फोर्स यह एक भौतिक कारक होता है दोस्तों, जो किसी भी वस्तु पर लगकर उस वस्तु का रूप, आकार और उसकी जो है तो स्थिति को बदल देता है, उसी को हम दोस्तों जो है तो फोर्स या बल कहते हैं। दोस्तों एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि अगर आप किसी दीवार के ईंट को अगर आप धक्का देंगे तो वह ईंट जो है तो आगे खिसक जाएगी, वह अपने या अपने जो है तो स्थान पर व्यवस्थित बनी रहेगी दोस्तों, उसी को हम फोर्स या बल कहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों अंतर जातवाद। अंतर जातवाद क्या होता है दोस्तों? तो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होने वाले बल को हम अंतर जातवाद कहते हैं, इसको हम अंग्रेजी में एंडोजेनेटिक फोर्स भी बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों पृथ्वी पर जितनी भी आकृतियां दिखाई देती हैं, चाहे वह पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, और बलन हो, भ्रंशन हो, गर्त हो, ये सारी की सारी आकृतियों के रूप को जो है तो यह अंतर जातवाद बदल देते हैं या बदलने की कोशिश करते हैं, जिसको हम अंतर जातवाद बोलते हैं दोस्तों। अंतर जात बल को और डीपली समझने से पहले हम जो है तो इस टॉपिक यानी परिवर्तन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं दोस्तों, कि आखिर परिवर्तन क्या होता है। दोस्तों परिवर्तन प्रकृति का नियम है, अर्थात पृथ्वी पर जितनी भी सारी वस्तुओं का उत्सर्जन हुआ है, जन्म हुआ है, उत्पत्ति हुई है, उन वस्तुओं का एक ना एक दिन अंत अवश्य है दोस्तों। पृथ्वी पर जितनी भी आकृतियाँ पाई जाती हैं दोस्तों, वो सब के सब क्या होती हैं? परिवर्तनशील होती हैं। तो पृथ्वी पर जो है तो जितनी भी आकृतियाँ, जैसे कि घाटियाँ, पर्वत, झील, पठार, मैदान और नदियाँ और महासागर, ये सब के सब दोस्तों जो है तो परिवर्तनशील होते हैं, और ये सब के सब जो है तो तैर रहे हैं प्लेट में जो है तो ये सब के सब तैर रहे हैं, परिवर्तनशील होते हैं, और इनको तैरने में जो योगदान होता है दोस्तों वह होता है अंतर जात बल का। फ्रेंड्स जहाँ पर जो है तो आज पर्वत हमको दिख रहा है दोस्तों, जहाँ पर हमको जो है तो आज ये पर्वत दिख रहा है, क्या पता वहाँ पर जो है तो यह पर्वत था या नहीं, यह तो निश्चित नहीं है, इसलिए क्योंकि परिवर्तन जो है तो प्रकृति का नियम है, इसलिए निश्चित नहीं है कि यहाँ जो पर्वत दिख रहा है या क्या पता पहले यहाँ था भी या नहीं। इसको हम इसको एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं दोस्तों, कि जहाँ पे आज हमारा हिमालय पर्वत उपस्थित है दोस्तों, वहाँ पर जो है तो आज से 20 करोड़ वर्ष पहले टैथिस सागर उपस्थित था, जिसके मलबे से जो है तो वहाँ हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है तो ये सारी चीज़ें, सारी आकृतियां जो है तो परिवर्तनशील होती हैं। अब देखिए जहाँ पे पहले आज से 20 करोड़ वर्ष पहले जो है तो टैथिस सागर था, आज वहाँ हिमालय पर्वत खड़ा है दोस्तों, इसलिए ये सारी आकृतियां जो है तो क्या हैं? परिवर्तनशील हैं, और सारी आकृतियों का जो है तो परिवर्तन होता रहता है दोस्तों, इसीलिए पृथ्वी जो है तो अपने आप को बैलेंस करती रहती है दोस्तों। इन सारी आकृतियाँ हैं, इन आकृतियों को जो है तो तैरने के लिए, इन आकृतियां जो है तो ये सारी आकृतियां तैर रही हैं, इन सारी आकृतियों में परिवर्तन आता है, तो परिवर्तन लाने के लिए, इनको तैराने के लिए किसी न किसी प्रकार के बल की आवश्यकता पड़ती ही होगी दोस्तों। तो बल वैसे दो प्रकार का होता है, एक होता है अंतर जात बल और एक होता है बाहिर जात बल। दोस्तों जो अंतर जात बल होता है वही जो है तो इन सारी भूमि की आकृतियों को जो है तो बदलता है, इनमें जो है तो परिवर्तन लाता है दोस्तों। आज से लगभग 70 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का जन्म हुआ था दोस्तों, और उसी समय से जो है तो इन आकृतियों का जन्म होना शुरू हो गया था दोस्तों। लेकिन पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के प्रारंभिक चरण से ही इन आकृतियों का जो है तो क्षय होना शुरू हो गया था, जो कि आज भी जो है तो चालू है दोस्तों। इसको हम इस डायग्राम के माध्यम समझ सकते हैं। यहाँ पे हम जो है तो भारत के हिस्से को देख लेते हैं, हम पूरा विश्व को नहीं देखते दोस्तों, हम भारत के हिस्से को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है तो जो हमारा ये गंगा नदी है दोस्तों, उत्तराखंड से निकलकर दोस्तों जो है तो अरब सागर में जाके गिरती है, यहाँ पे मान लेते हैं उत्तराखंड।
दोस्तों जो हमारा ये गंगा नदी है यह उत्तराखंड से होकर के अरब सागर में जाके गिरती है। तो यहाँ पे पहले जो है तो बहुत सारी एक प्रकार की एक जो है तो दोस्तों ये गंगा नदी और ये सिंधु नदी इन दोनों के बीच में एक बहुत विशाल द्रोणी थी दोस्तों। यहाँ पे जो है तो जहाँ ये पर्वत बने हुए हैं दोस्तों, ये मैदान बने हुए हैं, यहाँ पे पहले द्रोणी हुआ करती थी जब गंगा नदी उत्तराखंड से सीधे अरब सागर में आके गिरती थी दोस्तों। ठीक है, तो ये टैथिस सागर और ये गंगा नदी इन दोनों के बीच में भयंकर जो है तो जल जल भरा हुआ रहा करता था दोस्तों, जहाँ पे आज जो है तो पर्वत व मैदानों मैदान उपस्थित है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है तो आकृतियों में परिवर्तन होता है, तमाम चीज़ें जो है तो पूरे विश्व में जो है तो आकृतियों में परिवर्तन होता रहता है। अर्थात पृथ्वी पर जितनी भी जो है तो उपस्थित आकृतियाँ हैं दोस्तों, ये सब के सब तैर रही हैं और इनको तैरने में जो बल लगता है दोस्तों, उसी को हम अंतर्जात बल बोलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों अंतर्जात बल की उत्पत्ति देख लेते हैं। दोस्तों अंतर्जात बल की जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों, वह एकदम पृथ्वी के बीच में हुई है दोस्तों, पृथ्वी के पेट में हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों अंतर्जात बल की जो उत्पत्ति हुई है वह एकदम पूरी पृथ्वी के जो है तो बीच में हुई है। यहाँ पे ये पूरी जो है तो पृथ्वी का बीच का भाग है दोस्तों, जो तप्त स्थल है, एकदम पूरा गर्म भाग है। और इसके ये अगल बगल जो पूरा भाग पड़ा हुआ है दोस्तों, ये मेंटल है। और ये वाली जो है तो ये सब दोस्तों क्या है, ये सब प्लेटें हैं जहाँ पे अपन लोग निवास कर रहे हैं दोस्तों, स्थल मंडल। ठीक है, और ये जो तप्त स्थल है दोस्तों, यहीं पे जो है तो रेडियो तरंगे पाई जाती हैं जो कि बहुत ही गर्म होती हैं। यह अपने आप जो है तो प्रकाश को उत्पादित करती रहती हैं और पूरे जो है तो इस मेंटल में जो है तो ये मेंटल परत में पूरा जो है तो तरल पदार्थ भरा हुआ है, जिसको जो है तो तप्त स्थल से निकल कर रेडियो तरंगे पूरा गर्म कर देती हैं। और वही इतना गर्म कर देती हैं कि कभी कभी क्या होता है कि कमज़ोर प्लेटों को तोड़कर वह मैग्मा तरल पदार्थ जब बाहर निकल के आता है, जिसको हम लोग ज्वालामुखी विस्फोट या भूकंप कहते हैं दोस्तों। तो ज्वालामुखी के उद्गार होने से जो है तो धरती पर विभिन्न प्रकार के तरह तरह अलग अलग प्रकार की आकृतियों का जन्म हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों जो है तो हमने अंतर्जात बल की उत्पत्ति देख ली दोस्तों, कि रेडियो एक्टिव तरंगों के कारण अंतर्जात बल की उत्पत्ति होती है, और वो भी कहाँ, पृथ्वी के पेट में, यानी कि पृथ्वी के एकदम पूरे केंद्र में, जो धरती पर विभिन्न प्रकार के आकृतियों को जो है तो परिवर्तित करती रहती है। इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।